अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अभी अभी मैं बस हमारे बहुत बड़ी मस्जिद है वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था मॉस्क में, और मैं काफी अच्छे वहाँ पे कॉन्वर्सेशन हुए मेरे जिसको मैंने रिकॉर्ड करे हैं, मैं थोड़ी देर बाद डालूंगा, आप लोग भी सुनिएगा। थोड़ी वॉल्यूम थोड़ा ऊपर रखिएगा एंड आप लोगों को समझ में आएगा एग्जैक्टली समानता समाज में क्या क्या लेके आ सकती है, कि कितने सब धर्म के और सब लोगों को कितना फायदा हो सकता है अगर समाज में समानता हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही इमाम साहब थे, और सबसे बड़ी बात ये रही जो हमारा वीडियो ले रहे थे वो श्रीलंका के मुस्लिम थे, एक हमारे साथ जो बैठे हुए थे वो पाकिस्तान के थे, और एक और जो बैठे हुए थे वो बांग्लादेश के थे। तो चार देश के लोग यहाँ पे मिले जिसमें से तीन मुस्लिम थे और मैं तो इंसान हूँ। मुझे तो लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो गए कि सर आपका नाम अभी है, अली है, आप हैं कि आप जूश हैं या मुस्लिम हैं। तो मैंने कहा भाई मैं इंसान हूँ। और सबसे बढ़िया बात रही जब मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, जब मैं गाड़ी से उतरा तो कुछ लोग मेरे पास आए और बोले अरे आप तो लव रॉयट्स जो करा रहे हैं, मोहब्बत के दंगे इंडिया में, आप तो उस परिवार के हैं। तो बहुत खुशी हुई इन लोगों से मिलके। उसका भी मेरे पास वीडियो है, वो हैदराबाद के थे, वो हैदराबाद इंडिया हैदराबाद के हैं वो लोग मुस्लिम्स, तो उन लोगों ने पहचान लिया। तो खैर बात यही है कि धीरे धीरे पर यकीनन सोच बदल रही है, सबको जुड़ना चाहिए इसमें, हिंदू मुसलमानों को सब लोगों को जुड़ना चाहिए क्योंकि इसमें सबका फायदा ही है भाई लोग। तो थोड़ी देर बाद मैं एक डेढ़ घंटे बाद वीडियो डालूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा है मगर सुनने लायक है। थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा वॉल्यूम को हाई रखिएगा, और ये जरूरी है कि यंग पॉपुलेशन इस वीडियो को सुने और चीज को समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है समाज में समानता लाना है, जहाँ पे सब लोग एक ही समान एक देश में रहते हैं, एक देश एक परिवार का जो स्लोगन है वो कितना इम्पोर्टेंट है तो कंट्री की तरक्की के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, समाज में तरक्की के लिए। समाज में अगर आप लोगों को गुलाब के बगीचे उगाने हैं तो ये जरूरी है कि एक देश एक परिवार का जो स्लोगन है उसको लेके जाइए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का। तो पाकिस्तानियों से भी मेरी बात हुई, वहां भी यही मसले हैं, राजनीति ने वहां पे सब काम खराब कर रखा है। हम लोगों को थोड़ा ये फायदा हो जाता है क्योंकि हम लोग अलग अलग कंट्रीज के लोगों से मिलते हैं, हम लोगों को समझ में आती है क्या एग्जैक्टली है, और वही मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता है तो लगे मेरी तरफ से बुरा उनको, क्योंकि बुराई के ज्यादा पैर नहीं होते, बुराई टूट जाती है, बुराई के जो पांव होते हैं वो टूट जाएंगे, अच्छाई के पांव होते हैं और अच्छाई आगे तक जाती है। तो मैं उसको डालूंगा वीडियो को, उसको जरूर देखिएगा, बहुत जरूरी वीडियो है, और बच्चों को जरूर सुनाइएगा, बच्चों को बहुत जरूरी आ रहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बच्चे वो वीडियो सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।